नौजवान किसी भी कौम के मुस्तकबिल का असासा है। मुआशरे में अपना किरदार अदा करने वाले नौजवानों को सराहने वाले लोग काबिले इज्जत और काबिले रश्क हैं। यूनिवर्सिटी हब पाकिस्तान ने 19 जनवरी को आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में पहले नेशनल डेवलपमेंट यूथ कन्वेंशन का इनेकाद करवाया। इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात, सिविल सोसाइटी समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक थे। मुख्तलिफ शोबाजात में गैर मामूली सरगर्मियां करने वाले नौजवानों को सराहने के लिए अवार्ड देने के साथ साथ माहिरीन के लेक्चर्स भी थे ताकि नौजवानों को बेहतर रहनुमाई मिल सके। यूथ क्लब के मेंबर अबू साद ने इस मौके पर नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो गायब हैं उन तक पैगाम पहुंचाओ। सहाबा इकराम ने इतने जबरदस्त तरीके से दीन इस्लाम को हर कोने में पहुंचाया कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं इनसे राजी हो चुका हूँ। साबिक एमपीएस इमाबिया सत्ती ने अपने खिताब में कहा कि यूथ की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर अपने जिंदगी में कामयाब होना हो तो दूसरों की अच्छी चीज को अपनाएं और दूसरों की हौसला अफजाई करें। वही नौजवान आगे बढ़ते हैं जो दूसरों को अहमियत देते हैं। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो तारीखियों में कहीं गुम होकर रह जाते हैं और उनको बहुत कम दुनिया का कोई और इंसान जानता है। समाजी रहनुमा माहीन बलोच ने तालीम पर जोर दिया। याद रहे कि आपने लियारी से गरीब बच्चों को तालीम देने का मिशन शुरू किया था। उन्होंने अपनी जदोजहद से आगाह किया कि कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू किया। मारूफ सियासतदान अली मोहम्मद खान ने कहा कि हम यहाँ पर किसी को भी मुतासिर करने नहीं आई। यहाँ से हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम किसी फील्ड में अपनी कौम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत पेश करने वाले नौजवानों में शील्ड्स और अवार्ड्स तकसीम किए गए।